हाय गाइस, सो गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम पवई में रहते हैं, बॉम्बे में। इट्स अराउंड 6:45 6:50 वाला टाइम है। सो अभी 12 घंटे की जर्नी 13 घंटे की जर्नी तय करनी है। एवरीथिंग इज सेट, ठीक है। ये मॉर्निंग बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बॉम्बे में बारिश हो रही है। तो ये भी फिगर आउट करना है कि गोवा में बारिश है या नहीं है और कितनी है। सो वी आर ऑल रेडी, वी आर ऑल सेट। ये रही प्रांशु। प्रांशु, तो ये प्रांशु, ये मम्मी और ये हमारा सामान, और पीछे भी ढेर सारा सामान है। सो एवरीथिंग इज पैक्ड राइट नाउ। बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो फटाफट निकलते हैं। अभी आगे फ्यूल भी रिफिल कराना है। हाय गाइस, सो यहाँ से हमारा टोल का जर्नी स्टार्ट होता है। सो यहाँ हमने फर्स्ट टोल पे किया है। सो आई थिंक टोटल जो टोल अमाउंट मुझे गूगल मैप पे शो कर रहा था वो अराउंड 680-670 कर रहा था, बट आपको अपडेट ज़रूर देंगे कि कितना टोल का खर्चा आता है मुंबई टू गोवा अगर आप प्लान कर रहे हो। तो डीजल प्राइस इंक्लूडिंग टोल प्राइस टोटल क्या कॉस्ट आता है, विल डेफिनेटली लेट यू नो दैट। हम लोग सेकेंड टोल पे पहुंच गए हैं, ठीक है। बहुत सारे टोल्स हो जाते हैं यार, मतलब 500 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हैं और टोल्स, इतने टोल्स मिलते हैं भाई आपको इंडिया में, रास्तों में पूछने का ही नहीं। तो अभी हम लोग सेकेंड टोल पे पहुंचे हैं और अभी बस हमने एक घंटे का रास्ता तय किया है। ये है सेकेंड टोल फिलहाल। अभी हम यहाँ पे अपना कटवाएंगे टोल बेसिकली, ठीक है। हाँ, मजा आ रहा है गाइस, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था फॉर ड्राइविंग कि कैसे मैं 12 घंटे ड्राइव करूंगा, बट मेरे कार में क्रूज कंट्रोल है, ठीक है। सो जिसके वजह से अभी मैंने क्रूज कंट्रोल, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस क्रूज कंट्रोल फीचर, बिकॉज इससे पहले कभी पुणे बॉम्बे जो ड्राइव किया हमने, मतलब मैंने कभी क्रूज कंट्रोल फीचर यूज नहीं किया था अपने कार का, बट सिंस क्रूज कंट्रोल फीचर है सो आई एम लविंग इट। मतलब 80 में क्रूज करते हुए जिंदगी सेट है ब्रो, बस नींद नहीं आनी चाहिए, बस नींद नहीं आनी चाहिए, बिकॉज क्रूज कंट्रोल में आप कुछ करते नहीं हो तो नींद आ जाती है, बट हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो मैं और प्रांशु बातें कर रहे हैं और उसके बाद जब हमें कभी ऐसा लगेगा कि वी आर टायर्ड एंड वी आर फीलिंग टायर्ड, देन वी विल स्टार्ट शूटिंग। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शूट एंड लॉट ऑफ थिंग्स स्टोरीज टू टेल। सो बस टेंशन फ्री है बाबा, चलते रहने का मजा आएगा। हेलो गाइज, वंस अगेन, ठीक है। सो आई थिंक मैं 45 मिनट बाद फिर से वापस आ गया हूँ और ये है थर्ड टोल जो हमें लगा है अभी, और हम अराउंड पुणे के आसपास है। पुणे यहाँ से शायद 20-25-30 किलोमीटर्स है और एक्सप्रेसवे पे है हम ऑब्वियसली। सो यहाँ पे फिर से टोल हम दे रहे हैं, तो दिस इज़ आवर थर्ड टोल। अभी फ़िलहाल हम कुछ फूड एरिया की तरफ और फूड कोर्ट की तरफ रुकने की कोशिश कर रहे हैं, तो यस रुकते हैं, थोड़ा चाय पानी पीते हैं। अपनी गड्डी है, कभी भी रोको, कभी भी चलाओ, कभी भी कुछ खाओ, साथ में मम्मी है ही। तो अभी हम लोग फिलहाल बिहार का फेमस अपना सत्तू पराठा खा रहे हैं। सत्तू लिट्टी, लिट्टी है हाँ, बट मतलब लिट्टी है तो फ्राइड लिट्टी काइंड ऑफ। तो ये है जो सबसे बेस्ट फूड होता है हमारे ट्रैवल फूड में, जो भी बिहारी हैं और जो समझते हैं वो जान जाएंगे, बिकॉज खराब नहीं होता, कुछ नहीं होता, बेस्ट चीज़ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक फूड कोर्ट के पास रुके, बट फूड कोर्ट उतना कोई अमेजिंग नहीं है, इसलिए बाहर नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, बट हम कार में ही बैठ के अभी अपना चाय और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है। पीछे मम्मी, ये देखिए चाय लेकर फुल पावर, पूरी तैयारी से हैं हम लोग, पूरी तैयारी है, घर से चाय वाय भी बना के आई है, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। मम्मी लोग के साथ में चलने का ना यही फायदा होता है गाइस, कि मतलब चाहे आप कहीं भी जाओ आपके साथ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर होंगी। तो चाय है, ये है और भी बहुत कुछ है, दिखाएंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे दिखाएंगे अभी। तो बस अभी 15-20 मिनट्स का ब्रेक और अभी बज रहे हैं 9:07। नहीं नहीं, अभी हम आगे नहीं बढ़े। सो बेसिकली अभी बारिश रुक गई, तो इसलिए मैं सोचा कि कार से बाहर निकल के आप लोगों को थोड़ा अपडेट दे दूँ, मैं कहाँ पर हूँ वो बता दूँ। तो हमने जस्ट अभी टोल क्रॉस किया, जो आपने वीडियो में देखा, हमने टोल क्रॉस किया, यहाँ पे थोड़ी ब्रेकफास्ट में रुके हैं और अभी हम 20-30 किलोमीटर्स अहे बिफोर है पुणे से,
तो पुणे सिटी 20-30 किलोमीटर है। ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं ये फूड कोर्ट है, बहुत नॉर्मल डिसेंट फूड कोर्ट, खाने पीने सारी चीज़ें, बट अपने को तो क्या टेंशन है, अपने पास तो सारी चीज़ें हैं, सारा सामान है, हम साथ लेके चल रहे हैं पूरा का पूरा घर, ठीक है। तो विच इज़ अ नाइस थिंग इन ट्रैवल, जब आप लंबे ट्रैवल के लिए निकलो एंड स्पेशली जब आपके पास ऐसी कार हो सेक्सी, ऑब्वियसली ये मेरी सेक्सी कार है, ठीक है, बट हाँ मतलब कार है, जब स्पेस है आपके पास, जगह है रखने की, तो फिर टेंशन नहीं होती है। तो सारा सामान हमारा इसमें है, फुल पावर पैक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली अभी मम्मी चाय पी रही है, ठीक है, ये देखिए ये जो बैग देख रहे हैं आप, ये भरा पड़ा है खाने से, ठीक है, जिसमें से ये है चिप्स, पैकेट दिखाना, सॉल्टेड चिप्स चल रहा है, यस, हाँ, और ये देखो मीठा भी है, नमकीन भी है। मेरे लिए अगर मैं टायर्ड होता हूँ, अगर मैं टायर्ड फील करता हूँ, तो मेरे पास मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर जगाने के लिए, ठीक है, और एनर्जाइज रखने के लिए। तो इस तरीके से भरा पड़ा है भाई, ये लिटिल हार्ट्स, लिटिल हार्ट्स याद है, लिटिल हार्ट्स किस किस का फेवरेट है गाइस, लिटिल हार्ट्स जिसका भी फेवरेट है प्लीज बताओ मुझे कमेंट करके, बिकॉज मेरा और हम सब का फेवरेट है लिटिल हार्ट, लिटिल हार्ट मेरा, लिटिल हार्ट मम्मी का भी फेवरेट है, तो लिटिल हार्ट इज जस्ट नॉट अ लिटिल हार्ट, इट्स अ नॉस्टैल्जिया। जो भी 90s के जो किड है वो जानते हैं कि लिटिल हार्ट कितना ज्यादा पॉपुलर था उस वक्त, और हम लोग एक्चुअली मरते थे खाने के लिए। तो ये वो लिटिल हार्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, इस तरीके के क्रीम अनियन चिप्स एंड ऑल दैट, भरा पड़ा है सामान, दिखाते हैं, जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे दिखाते जाएंगे आपको। तो वो सीन है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी। बट और आपको मैं बता दूँ, ये देखो हॉटपॉट भी आया है साथ में, ठीक है, ये हॉटपॉट है जिसके अंदर भरे पड़े हैं लिट्टी, जो फ्राइड लिट्टी है हमारे। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये है बंगाल का मुढ़ी और अपना महाराष्ट्र का मुरमुरा, ठीक है, शायद मुरमुरा ही बोलते हैं इसे महाराष्ट्र में। तो ये है, ये भी है, और साथ में नींबू भी है भाई, नींबू भी है, नहीं नहीं मजाक नहीं, नींबू भी है यहाँ पे, ये देखो नींबू भी है यहाँ पे, यहाँ पे सच बताऊँ तो यहाँ पे चाकू भी है, बहुत कुछ, मतलब मम्मी ने पूरा भर कर लिया है नाश्ता, कि हाँ जब जो मन करेगा खाएंगे, खाने के लिए नहीं सोचना है, बस चलते जाना और खाते जाना और मज़े करते जाना है। तो ये फिलॉसफी पे हम लोग चल रहे हैं अभी फिलहाल, 3-4 दिन की जर्नी है ये, और 3-4 दिन फुल ऑन मज़े करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही अपडेट, फटाफट अब निकलते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी बताते हैं आपको। सो लेट्स गो। अपना 5th टोल क्रॉस किया है अभी, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टोल था ये, मैं सो सॉरी मैं रिकॉर्ड करना मतलब रह गया इसको, बट ये पुणे के बाद एक टोल पड़ता है और अभी हम हैं NH 48 में, ओके, सो ये जो टोल है बेसिकली ये टोल सारी के सारे किन्नर्स चलाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब इस तरीके की और ढेर सारी ऐसे टोल्स और ऐसे प्लेसेस होने चाहिए जहाँ पे किन्नर्स को मौका देना चाहिए और ट्रांसजेंडर्स को मौका देना चाहिए काम करने का, बिकॉज और मतलब आप लीगल तो हो गया है बट देर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे हम फिर भी अभी भी लैक करते हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ गुड हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग। सो आई फील लाइक कि मुझे इस चीज़ पे अभी बोलना चाहिए बिकॉज मैंने अच्छी चीज़ ये मुझे अच्छा लगा देख कर ये, सो आई थॉट कि चलो शेयर करता हूँ आप लोगों से। बट हाँ मतलब we'll share and we'll keep on discussing on this platform because हमें अच्छा लगता है लोगों के views जानना, आप क्या सोचते हो और आप क्या चाहते हो, किस तरीके से आपके हिसाब से development किस तरीके से आप देखते हो भारत में, तो वो सारी चीज़ों पर हम definitely बात करेंगे। So अभी के लिए बस यही, और अभी और 7 घंटा 40 मिनट का रास्ता है, 399 किलोमीटर्स हमें कवर करने हैं। सो या अभी तो फिलहाल यही है अपडेट, मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद बेसिकली।
गाइस, सो अभी फिलहाल हमने क्विक स्टॉप लिया है, ठीक है, 5 मिनट के लिए। कोई घाटी है, NH 48 पर है। बहुत ही ब्यूटीफुल रोड्स हैं यार, मतलब मज़ा आ गया मुझे राइड करके। ये जो पुणे के बाद जो मुझे रोड्स मिले हैं, बहुत अमेजिंग, मक्खन है एकदम। बट आप ये देखो मेरे सामने मस्त एक छोटा सा झरना है जिसपे लोग मज़े कर रहे हैं। So, अभी हम कहाँ पर है परंतु? नरले या कुछ समथिंग एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, तो हम अभी वहाँ पर हैं और अभी बज रहे हैं 1 और हम रुके हैं लंच करने के लिए। और अभी यहाँ से 280-300 किलोमीटर गोवा शो कर रहा है मैप पे, जो कि है 5-5.5 घंटे का रास्ता, ठीक है। सो अभी मैंने जो ऑर्डर किया है वो मैंने ऑर्डर किया है मटन कोल्हापुरी, ठीक है। मम्मी ने ऑर्डर किया है वेज थाली और 1 वेज हैदराबादी बिरयानी। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा है, वाइब भी अच्छा है और अभी तक हम एनर्जेटिक है। अब लंच करने के बाद पता चलेगा कि कौन एनर्जी में रहता है और कौन सो जाता है, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा फन है। तो यस, अभी हम फिलहाल एनर्जेटिक है अभी तक, और अभी और 5-6 घंटे की राइड बची है, तो ऑलमोस्ट हम गोवा 8-8.5 बजे तक पहुंचने चाहिए। सो लंच करके हम लोग निकल चुके थे, अभी 3:41 हो गया है, 1.5-2 घंटे बीत चुके हैं, ठीक है। और अभी जो डिस्टेंस बाकी है वो 174 किलोमीटर है। 4 घंटे शो कर रहा है कि 4 घंटे लगेंगे अपने को पहुंचने में गोवा अभी, और 4 घंटे 6 मिनट डॉट। तो मैंने सोचा था कि कोल्हापुर के आसपास मैं ड्रोन फ्लाई करूंगा, बट अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हो रही है इस एरिया में कि आई डोंट थिंक सो यहाँ पे फ्लाई कर पाऊँगा। आई थिंक मुझे पहले ही फ्लाई कर लेना चाहिए था जब सूखा था, और ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी कि यार कहीं यहाँ आगे आगे भीगा ना मिले, बट और भी जगह था जहाँ पे था सूखा, बट फिर वही मैंने सोचा कि यहाँ पे अच्छा लैंडस्केप होगा हाईवे पे, तो बट वही है कि अभी तो बारिश हो रही है, तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है। बट हाँ, मतलब अभी तक एनर्जी तो है, देखते हैं अभी क्या सीन है। अगर आगे कहीं बाहर बारिश नहीं मिलती है, जो कि अब मुझे कम चांस लग रहा है क्योंकि गोवा भी अब पास पहुंच रहा है, और इन टर्म्स ऑफ वेदर रिपोर्ट अगर देखें तो फोलापुर उलापुर के साइड में बारिश अभी है वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भी। सब, सो हम पहुंच गए हैं गोवा में बेसिकली। अभी 3 घंटे हैं। अभी 3 घंटे है, बट हम गोवा वाले रीजन में हैं, स्टेट में। सो बेसिकली यहाँ रास्ता बहुत खराब है, सो अभी हमें सिर्फ 115 किलोमीटर जाना है, और अभी जो टाइम शो कर रहा है हमें वो 3 आवर्स शो कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रास्ता खराब होने की वजह से शो कर रहा है, बिकॉज और कोई भी इशू नहीं है और रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस यहाँ पे। 112-113 किलोमीटर थोड़ी ना ऐसा गोवा स्टेट में अभी नहीं घुसे हैं। तो आप रे रास्ते देख रहे हो गाइस, क्या बुरा हाल है रास्तों का। देखो अभी गोवा का बना हुआ है वहाँ पे, और आगे अभी गोवा आया नहीं, ये सब बीच बीच का तालुका है या जो भी बोल लो गाँव है। हमारे होटल बुक हो गए, हमारा होटल है क्या, कौन सा विला, बेला। तो पहुंचते हैं, चेक इन करते हैं, फटाफट आपको भी बताते हैं क्या है सीन वहाँ का। सो लेट्स सी, हमने बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च नहीं किया है, जो मिला देखा फोटोज रिव्यूज के थ्रू गूगल और इस पे, और बस उसको बुक कर लिया बिकॉज काफ़ी अनप्लान्ड आए हैं हम लोग, सो वैसा वाला सीन है।
वो हल्का दिन वैसे पणजी एक्सप्लोर करना है हमें, बता देता हूँ अभी। तो कल का दिन पणजी में है हमारा, जिसमें हम फाउंटेन हाउस और सारी जगहों को, चर्च वर्च एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या है और एक्सप्लोर करने लायक। वैसे तो हम लोग पणजी आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसा सिटी सिटी टूर करना नहीं चाहते, कुछ सेलेक्टेड प्लेसेस जाएंगे और बाकी चिल करेंगे। आज का वेदर तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि कल, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे कल से, तो मैंने कल से पता किया था कि कल तो बारिश नहीं थी, और आज मुझे लगता है कि आज थोड़ी ज़्यादा बारिश हो रही है गोवा में, क्योंकि हम लोग ड्राइव तो कर रहा था बट बोल नहीं सकते हैं, 101 ही किलोमीटर है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अब सीन है। बट हाँ, मतलब ये जो ट्रिप होने वाला है काफ़ी अनप्लान ट्रिप है और काफ़ी ज़्यादा वैसा ट्रिप है, लाइक अभी जो गोवा का सीज़न है वो गोवा बेसिकली ऑफ सीज़न है, राइट? एवरीबडी नोज कि बारिश में गोवा बंद है, सारी चीज़ें। तो जितनी मेरी बात हुई थी कल होटल्स वगैरह से, तो ऑलमोस्ट लाइक 50% होटल्स बंद हैं बिकॉज ये ऑफ सीज़न है, 50% वर्किंग है, 70% शैक्स बंद हैं, ठीक है, जो बीच के पास है तो वो शैक्स बंद है 70%, 30% वर्किंग है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं अभी यहाँ पे 2-3 दिन से, तो उन लोगों ने बताया कि मतलब बीच पे जाना भी बहुत अलाउड नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बेवॉच का सीन है और गार्ड्स है बीच पर, कोस्टल बीच पर, क्योंकि हाई टाइड्स वगैरह चल रही हैं, तो इस तरीके से बीच पर भी बहुत ज़्यादा जाने का सीन है नहीं। हाय एवरीवन, सो गुड इवनिंग, अभी 6:30 बज रहे हैं, ठीक है, और हम हैं अभी सिंधू दुर्ग वाले एरिया में। तो यहाँ एक घाटी आई है, दिस इज ऑल्सो बेसिकली लोनावला एंड मानसिक घाट वाला घाटी, जो फुल ऑन बारिश हो रही है यहाँ पे। तो अभी एक छोटा सा स्टॉप लिए हैं चाय के लिए, बहुत ड्रिजलिंग हो रहा है, मस्त सीन है गाइज, मस्त सीन है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत हल्की लाइट बची है। अब ये लाइट आई थिंक 15-20 मिनट्स की लाइट है, और उसके बाद देखो, ये देखो, सो 15-20 मिनट्स की लाइट्स बची है, अब उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, तो ये हमारा लास्ट स्टॉप है, इसके बाद सीधा अपने होटल पे जाके रुकेंगे। बहुत अच्छा सीन है यहाँ पे, तो या Let's go and let's enjoy this place and let's have tea, क्योंकि ऐसे मौसम में चाय बहुत अच्छी लगती है। So yeah, I am very excited guys, I am very excited, feeling very happy, क्योंकि मैं जितना सोचा था कि उतना tired होऊंगा, उतना tired हुआ भी नहीं, और काफ़ी अच्छी जर्नी भी थी। तीनों में से कोई नहीं सो, मतलब ऑब्वियसली मैं तो नहीं सो सकता था, बट मम्मी, प्रांशु, कोई नहीं सोया, हम लोग बहुत ही एनर्जी में अच्छे से कार ड्राइव करते हुए, गाने वाने सुनते हुए हम पहुँच गए हैं। 2-2.5 घंटे का रास्ता बचा है, रास्ता बीच में ख़राब था इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और अभी मम्मी चाय ले रही है, बट या दिस इज़ द सीन गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड। व्हाट्स अप गाइज, आई नो अभी मेरे तरफ कुछ नहीं दिख रहा है, बट मैं यहाँ पे देखने लायक बहुत ही सही है। आई एम एक्चुअली, मतलब मैं अपने आप को कैसे रोक रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक पा रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल है, सिंधुदुर्ग का वाटरफॉल है ये, तो बहुत ही खूबसूरत है। आप ये देखो, विजुअल देखो, आप विजुअल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाय गाइस, सो द थिंग इज कि अभी हम लोग, मतलब शायद हमने मैप ने, हमने नहीं, मैप ने शायद हमें लॉन्ग कट बता दिया है,
जो सिंधुदुर्ग होकर आता है, बिकॉज अभी हम लोग कुछ देर पहले पीछे रुके थे गांव में, हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि सावंतवाड़ी से जो रास्ता जाता है आपको वो रास्ता लेना चाहिए था, ये आप बहुत लॉन्ग कट ऐसे घूम के जा रहे हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 7:47 ऑलरेडी हो चुके हैं, 7:47 ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत क्रेजी बारिश हो रही है, बहुत क्रेजी अंधेरा हो गया है। इस रास्ते पे कोई भी नहीं है, लाइक आई कैन नॉट फाइंड एनीवन जो हमारी तरह गोवा जाने वाला हो, ठीक है, कोई कार नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आसपास जो भी जो वैली है इसके अंदर उसमें जो लोग रहते हैं, बस आपको कुछ कुछ बाइक लोकलाइट दिख रहे हैं, वैसा वाला सीन है। और बहुत अंधेरा हो गया है, इतनी तेज बारिश हो रही है कि मुझे रास्ता भी देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो वाला सीन है। तो अभी सीन रिस्की है, वैसा वाला सीन है, ठीक है। तो अगर आप गोवा आ रहे हो तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आप कौन से रास्ते से आ रहे हो, मुंबई से स्पेशली, क्योंकि लॉन्ग है जर्नी, ठीक है। और आप चाहे कुछ भी, कितना भी फास्ट चलाओ, कुछ भी करो, आपको मतलब 12 घंटे शो करता है तो आप रेगुलर तो चलाओगे नहीं, तो ऑलमोस्ट आपको 13-14-15 घंटे तो लग ही जाएंगे। और ये जो रूट है इस पे तो डेफिनेटली लग जाएंगे अगर ये लॉन्ग कट है। तो क्रेजी बारिश हो रही है और रास्ता नहीं दिख रहा है, वैसा वाला सीन है। तो मुझे एक्चुअली में डीपर मार मार कर चेक करना पड़ रहा है कि आगे रास्ता कहाँ टर्न ले रहा है, मतलब वैसा वाला सीन है कि टर्न कहाँ पे ले रहा है, तो बिकॉज दिख ही नहीं रहा है, टर्न्स नहीं दिख रहे हैं, अचानक से एलिवेशन है। हम लोग अभी पहाड़ों पे, मतलब ये सिंधुदुर्ग की घाटी पे घूम रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, तो मतलब जा सही रहे बट हाँ, दिस विल टेक टाइम। तो ठीक है, अब समय लगेगा तो लगेगा, बट ये मैं चाहता था आप लोगों को अपडेट देना, ठीक है। तो अभी जो हमारा ETA दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है प्रांशु? 9:05 पे दिखा रहा है, और बीच बीच में रास्ते भी खराब है, बट ठीक है, एक्सपेक्टेड है, मतलब 15 घंटा तो मैंने एक्सपेक्ट करके चला था, बट ये रास्ता इस तरीके से इतना मैंने, और खास करके क्या है कि अब जब मुझे पता चल गया कि वो शॉर्टकट था, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप मैप जहाँ से लेके जाएगा आप वहीं से जाओगे। तो एक बार कंफर्म कर लेना आप जब भी इस तरीके का टर्न ले रहे हो, तो मैं आपको रास्ते का थोड़ा विजुअल दिखाता हूँ, आई डोंट नो दिखेगा या नहीं, बट होप सो दिख जाए मेरी कार की लाइट से। तो देखो एक बार कितना डार्क और अंधेरा है और बारिश हो रही है इतनी तेज से, ठीक है। सो चेक दिस आउट, पूरा अंधेरा है गाइस, जैसे देखो अभी ये रास्ता दिख नहीं रहा है, मुझे एक्चुअली में डीपर मारना पड़ रहा है तब जाके पता चल रहा है कि अच्छा अप है या टर्न है, लेफ्ट है राइट है। सो यार देखो, डरने की बात नहीं है, ट्रैवल है तो अनएक्सपेक्टेड चीजें और इस तरीके के लॉन्ग रूट्स, मतलब वो लेके चलो आप, बट टेंशन की बात नहीं है, वी आर सेफ एंड ड्राइविंग वेरी सेफली, ठीक है। तो उसका कोई लोड नहीं है, बस वही है टाइम लगेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है आपको, सॉरी, सो हड़बड़ाना नहीं है आपको, आराम आराम से गाड़ी चलाना है, पहुंच तो जाओगे ही अब आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कार में है तो ऐसे भी कोई लोड नहीं है हम लोगों को, ठीक है, बारिश वारिश से, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट कार राइड्स एंड कार ड्राइव। तो ये कि ऐसे रास्ता खराब भी है, और रास्ता खराब है और क्रेजी खराब है, ये वाला रास्ता यहाँ पे क्रेजी खराब है। अब भले ही सेफली ड्राइव करते हो, बट इस तरीके के रास्तों पे और कॉशियस हो जाओ, और अच्छे से शांति से प्यार से ड्राइव करो, पहुंच जाएंगे जिंदगी में जहां पहुंचना होगा, कोई लोड नहीं है। और ऐसा हमारे साथ तो पहली बार तो हुआ नहीं है, मैं और प्रांशु तो स्पेशली, मम्मी तो फिर भी चलो ठीक है, मम्मी हमारे साथ फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप पे आई है जो पूरे दिन का है वैसा वाला, और 3-4 दिन का रहेगा जो इस तरीके से है, हम लोग ड्राइव करके आए हैं। मैं और प्रांशु तो बहुत मतलब ऐसा हो गया हम लोगों का कि ठीक है, तो आई हैव अ वेरी गुड कंपनी विथ मी, प्रांशु एंड मम्मी दोनों बहुत ऐसा स्ट्रांग लेडी है, तो कोई लोड नहीं होता, मुझे टेंशन नहीं होता, पैनिक नहीं होते लोग, अरे क्या है ये क्या नहीं, वो पैनिक होके कुछ नहीं होगा, चिल एकदम प्यार से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। चलो मिलते हैं, फाइनली हम लोगों ने हाईवे पकड़ लिया है अभी, तो अब नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है।
प्रॉपर जो गोवा वाला जो टू लेन वाला हाईवे होता है, अब वो फाइनली आ गया। ओ माय गॉड, फीलिंग गुड, बिकॉज वही है कि शांति से चलाओ अपना, आराम से, ठीक है, कोई लोड नहीं है, तो वैसा वाला सीन है। बट हाँ, मतलब अब थोड़ी चैन में चैन आई, बिकॉज रास्ते बहुत पतले थे, अभी चक्का स्लिप हुआ तो आई वॉज लाइक अबाउट टू, थोड़ा सा अगर और उस तरफ जाती गाड़ी तो हम लोग नाली के अंदर घुस जाता एक चक्का मेरा। तो वही है कि रास्ते छोटे है ना, नाली के पहाड़ से टकराता है। नहीं, नाली के अंदर चला जाता, बट मतलब रास्ते छोटे है ना, अभी अब कोई लोड ही नहीं है, अब हाईवे है, अब यहाँ से डायरेक्ट हाईवे जाना है, तो पीस, फुल पावर गाइस, फुल पावर 24 आवर, ये फुल पावर, कोई लोड ही नहीं है। हाय एवरीवन, सो 9 बजने वाले हैं, ठीक है, और अब हम सिर्फ 11 मिनट दूर है अपने होटल से, जो हमारा क्या है, बेला विला जो होटल है पंजिम में, वहां से। तो नाइट स्टे हमारा यहाँ है, कल का प्लान अब आपको कल ही बताएंगे, बिकॉज अब हमें भी नहीं पता कि अभी हम कल कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कितने बजे उठेंगे। आज की काफी लंबा डे हो गया, तो यस, अभी और 11 मिनट और होटल पहुंच के हम आज के डे को एंड करेंगे, साइन ऑफ करेंगे और मिलेंगे कल। सो टिल देन कीप वॉचिंग ट्रैवल अमीगोस गाइस, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, प्लीज करो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा चैनल है ये और बनाएंगे इसको हम अच्छा, ठीक है, तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कम मतलब ओपिनियंस और अपने जो भी आपके थॉट है वो प्लीज कमेंट पे करके शेयर करो, बिकॉज बहुत ही फ्रीली हम चाहते हैं कि ये हमारा फुल पावर गैंग, जो हमारा फुल पावर गैंग है ट्रैवल अमीगोस का, तो फुल पावर गैंग बढ़े और हम फुल पावर ट्रैवल करें ऑल ओवर इंडिया और इवन द वर्ल्ड, ठीक है, और जर्नी तो ठीक है अभी मतलब स्टार्ट हुई है, तो या बट वी आर ट्रैवलिंग द इंटायर वर्ल्ड टुगेदर। हाय गाइस, सो फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए हैं, 9 बज गए हैं यहाँ पे अभी, आई नो डार्क है, सो लेट मी कम टू द लाइट। सो यस, 9 बज चुके हैं और हम अपने होटल पहुंच गए हैं गाइस। सो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, ये सिटी से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर है, बिकॉज इट्स अ होम स्टे एंड वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंड हियर। से हाय योगी, से हाय। So we have a very good friend here. Jogi. And see, this is the property. Okay. This is the property. It's a very nice property. बहुत अच्छा है ये. ये homestay kind of है. ठीक है. So yeah, अभी हम लोग just पहुँचे हैं. So let's get freshen up. और उसके बाद property का tour मैं आपको कल दूंगा. बट फटाफट डिनर करते हैं और फ्रेश होते हैं और आराम करते हैं, कल सुबह से स्टार्ट करते हैं। एंड या